मसाइल की अगर बात की जाए तो इस वक्त म्यूनिसिपल कमेटी कोर्ट छुटा के बताइएगा कीजिएगा खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया। वो जब पीछे मुड़ के देखते हैं मोहल्ले वाले गायब हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। मैं आपका अपना व्लॉगर व्लॉगर कहाँ कह सकते हैं, मेरे अंदर का व्लॉगर तो मर चुका है ना। और जब अपनी वीडियोस पे व्यूज़ देता हूँ, किसी पे 13, किसी पे 16, किसी पे 20, तो समझे कि 1.5 साल की मेहनत गई। तो अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है इंशाल्लाह। और एक रिएक्शन सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका जो पहला एपिसोड है। तो दोस्तों पहली जो वीडियो हमारे स्ट्राइकी भाइयों की वायरल हुई हुई है, ठीक है। एक रिपोर्टर जाता है और रिपोर्टिंग वगैरह करता है तो मोहल्ले की कुछ प्रॉब्लम वगैरह होती है ना, तो वो पहले जाते हैं रिपोर्टिंग करते हैं। वो जो पीछे से मोहल्ले वालों को इकट्ठा करते हैं वो चले जाते हैं। तो आप सबसे पहले ये वीडियो देखें और इसके बारे में रिएक्ट करें कि ये कैसे बनी है, और फिर इसके बारे में मैं भी आपको बताता हूँ कि ये क्या किया है हमारे रिपोर्टर भाई के साथ, क्योंकि रिपोर्टिंग करना इतना आसान तो नहीं होता ना। आप पहले वीडियो देख लें। जी बिल्कुल, अवामी मसाइल की अगर बात की जाए तो इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी कोटचुटा के अफसरान की नाअहली के बायस पूरा कोटचुटा शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त मैं जिना कॉलोनी की गली नंबर 1 में मौजूद हूँ, जहाँ पर कचरा जमा होने से बदबू और ताफुन फैलने से शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा किरेगन हल्लाई मरो। तो दोस्तों आपने देखे कि हमारे रिपोर्टर भाई के साथ क्या किया मालो वालों ने। और रिपोर्टर जो एंड पे एक लाइन कहता है ना कि वो हमारे सराइकी में बहुत मजे किए हल्लाई मरो, लानता दे रहा है कि इतनी मेहनत से बेचारे ने इंटरव्यू दिया है, ठीक है। अब हम बैठते हैं ना तो 10 से 12 इंटरव्यू देते हैं, उनमें से कोई एक अच्छा लगता है तो वो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो इसीलिए आप देखें। और एक मौलवी की भी वीडियो वायरल हुई है, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो आपने इस वीडियो पे रिएक्ट करना है कि ये कैसे बनी है, पर मुझे तो बस ना ही पूछे कि ये जो माशरे वाले हैं ना, कोई फ़नी टाइप होता है कोई कैसे होता है, तो ये उन्होंने गलत किया कि बेचारा इतनी मुश्किल से इंट्रो दिया उसने और वो जब पीछे मुड़ के देखता है मोहल्ले वाले गायब हो जाते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हुआ था, ठीक है। तो आपने बेचारे के साथ क्या किया है। अब एक वीडियो मौलवी साहब की दिखाता हूँ कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की कवाली लगी हुई थी। मैं भी उनका बचपन से ही फ़ैन हूँ, उनकी सभी कवाली वगैरह सुनता हूँ। उसमें बिल्कुल मीनिंग होती है, तशरीह होती है। अगर समझने वाला हो ना तो आपको एक 10 से 15 मिनट की कवाली में या कलाम में आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं, आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाता है। तो मैं क्या बातें ले के बैठ गया हूँ, तो आप पहले वो वीडियो देखें ना और फिर मुझे जवाब दे। तो दोस्तों आपने देखा है कि मौलवी साहब को बस जैसे कहते हैं ना कि बंगी को बंग चढ़ गई है, नशा करता है शराबी को शराब चढ़ गई, और मौलवी साहब को तो कवाली चढ़ गई है। वो कैसे नाच रहा है यार। बस कहते हैं ना कि इंसान का दिल कभी कहाँ होता है कभी कहाँ होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये छोटी सी एक वीडियो बनाई है, इसका ये पार्ट वन के एपिसोड 1 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इंशाल्लाह इसके मज़ीद भी पार्ट बनाऊंगा। और बैकग्राउंड मज़े का नहीं है, ठीक है ना, स्टूडियो ना ही कोई चीज़। इंशाल्लाह स्टूडियो का भी कोई ना कोई सेटअप कर रहा हूँ अपने दोस्तों के लिए। कुछ टाइम लगेगा स्टूडियो बनाने में भी, और स्टूडियो तो तब बनाएंगे जब हमारे यूट्यूब पर आप सब दोस्तों प्यार देंगे, ठीक है। हम अर्निंग के लिए नहीं करते, अपने व्यूअर्स के लिए करते हैं। पर इंसान को जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका फल तो मिलता है ना, वो आपने देना है। वही बस इस वीडियो को सपोर्ट करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, ग्रुप्स में शेयर करना है। मेरा फेसबुक पेज पे भी मिस्टर वेला पेज है, फेसबुक पर भी मेरा पेज है मिस्टर वेला, आपने उसको भी लाइक करना है, फॉलो करना है, उसकी भी वीडियो शेयर करनी है, ठीक है। तो मुझे आप दें इजाज़त इंशाल्लाह। अगर कोशिश तो की है कि ये पार्ट मैं अच्छा बना सकूँ, ठीक है। अगर फिर भी कुछ कमी हो गई हो तो माजरत खाऊँ, तो मुझे आप इजाज़त दें इंशाल्लाह।
नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट टू बनाएंगे, अगर पार्ट वन को प्यार मिला तो बनाएंगे ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ओके, अल्लाह हाफिज़।